एक इंडियन आया और अपने स्टाइल में उसने बोला कि सर कैन आई गेट योर व्हाट्सएप नंबर, आई वॉन्ट टू सेंड माई सी वी टू यू। इनका यार एक्सेंट बड़ा मज़े का होता है, बड़ी मासूम कौम है, बड़ा मज़ा आता है इनसे बात करने में। खैर तो ऑब्वियसली वो उनको जानता नहीं था, लेकिन उसने उनसे की इंटरेक्शन। सलाम वालेकुम या शबाब, कैसे हैं? खैरियत से उम्मीद है घर में सब ठीक ठाक होगा। तो भाई सबसे पहले तो खुशी का ठिकाना नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर बस करीब करीब ही कहीं पहुंचे हुए हैं, हो जाएंगे किसी भी टाइम। ये खैर 2 से 3 दिन पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता, वॉच टाइम भी आ रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, सब्सक्रिप्शन क्यों रोक दी है सरकार? सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूरत है मोटिवेशन की। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं मेरा खून बढ़ जाता है और मेरा दिल करता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। मैं पहाड़ चीर करना वो सीक्रेट्स निकाल के लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो सर सब्सक्राइब करें और मेरी मोटिवेशन को ज़रा एक लेवल अप और करें, फिर देखें आपका भाई कहाँ कहाँ से चीज़ें लेकर आता है आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज बात होगी कि इंडियंस की स्ट्रैटेजी क्या होती है जॉब ढूंढने के लिए, यहाँ पर किस तरीके से वो जॉब्स ढूंढते हैं। वैसे मुझे ये नहीं पता कि ये सबसे पहले किसने शुरू किया था, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये इंडियंस को करते हुए देखा है, तो इसी वजह से मैं इसको इंडियन स्ट्रैटेजी का नाम दे रहा हूँ। मे बी पॉसिबल पाकिस्तानी भी करते हैं, फिलीपींस भी करते हैं, और भी बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं जो इस ट्रिक को फॉलो करती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस ट्रिक को आज फॉलो किया जा रहा है वो इंडियंस की तरफ से किया जा रहा है। और ये ट्रिक बहुत से कहते हैं कि भाई इतनी कामयाब नहीं है, बहुत से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कामयाब है, करनी चाहिए, लेकिन ये भी एक मिथ बना हुआ है। करो तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं करोगे तो इसमें फ़ायदा अगर ना भी है तो नुकसान भी कोई नहीं है। इन दी एंड आपको कुछ ना कुछ सबक मिल जाता है, कुछ ना कुछ आपकी रिसर्च हो जाती है। तो मैं बताता हूँ कि वो बेसिकली ट्रिक है क्या, क्या चीज़ वो फॉलो करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे उनको बहुत आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं। मोस्टली सुना होगा आपने कि दुबई में सबसे ज़्यादा रेशियो जिस नेशनैलिटी का है वो है इंडियंस। तो इंडियंस के साथ फिर आता है फिलिपिनोस, हर जगह आपको फिलिपिनो नज़र आएगा या तो इंडियन नज़र आएगा। फिर आपके बांग्लादेशी भाई आते हैं, फिर साथ में आपके पाकिस्तानी आते हैं। तो पाकिस्तानी इसका भी रेशियो यहाँ पर बहुत है, ऐसा नहीं है पाकिस्तानी का मैं ठीक ठाक पाकिस्तानी भरा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इनके अगर बरक्स देखा जाए ना तो इंडियंस, फिलीपींस और बांग्लादेशी ये आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। तो खैर होता क्या है कि वो इन्हीं ट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली इंडियंस और फिलीपींस तो ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में भी फॉलो की जाती है ट्रिक, और लेकिन ज़्यादातर जो पंजाब साइड के हमारे भाई हैं ना वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जो हमारे कराची के शहजादे और नवाब और रॉयल फैमिली से जो हमारे दोस्त आए हुए होते हैं तो वो इस चीज़ को फॉलो करने में कतराते हैं, क्योंकि ये लगती है इसमें ज़रा सी मेहनत। और हमारे यहाँ ज़िंदगी थोड़ी सी कराची के अंदर स्पेशली बादशाहत वाली ज़िंदगी है, हम बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि हम ज़रा मेहनत करें और थोड़ी सी ख्वारी करें। ये खैर थोड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन भाई मैं भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बड़ी नवाबी थी ठीक ठाक। तो जब नवाबी को ख़त्म किया है और बढ़े हैं आगे, तो पता लगा कि भाई ज़िंदगी तो है मज़ेदार, आगे काफ़ी चीज़ें हैं और हमें इस नवाबी को ख़त्म करना चाहिए। तो खैर टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपने साथ रखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जनाब वो ट्रिक ये है कि आपने डोर टू डोर अपनी सीवी ड्रॉप करनी है। अब लोग बहुत से मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि यार ये पुराना फैशन था, ये पुराना तरीके था, अब इंटरनेट का ज़माना है और अब ऑनलाइन सीवी ड्रॉप करें। तो सर देखें बात ऐसी है कि ऑनलाइन सीवी आप ड्रॉप करें सबसे पहले प्रायोरिटी के अंदर उसी को रखें, लेकिन जब आप वो सारे काम करके बैठ जाएंगे तो आपके पास टाइम बचता है। तो आपने ये करना है कि आपने डोर टू डोर अपनी सीवी ड्रॉप करनी है, और अभी तक इस चीज़ को इंडियंस फॉलो करते हैं और मैंने नहीं देखा कि इंडियंस की कोई ज़्यादा तादाद है जो वापस जाती है, उनको जॉब नहीं मिलती, वो जॉब्स आराम से कैच कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस चीज़ को करने में शर्माते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेरे पास महीने में तकरीबन 4, 5, 6 दफ़ा दरवाज़ा नॉक होता है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई ना कोई इंडियन मेरे सामने अपनी सीवी लेके खड़ा होता है और उनका बस यही सवाल होता है, सर डू यू हैव एनी वैकेंसी, दिस इज़ माई सीवी।
वो सी वी ड्रॉप करते हैं और चले जाते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता और हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, पानी वगैरह पूछते हैं, कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, इफ़ वी हैव एनी वैकेंसी विल लेट यू नो, और अच्छा सा उनको हाय कह के जाने देते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास ऑब्वियसली जब नहीं होती वैकेंसी तो हम उनको नहीं इंटरटेन करते, लेकिन एटलीस्ट उनकी हमारे साथ हाय हेलो हो जाती है, हमारे साथ उनके व्हाट्सएप का नंबर और उनकी सीवी का डेटा शेयर हो जाता है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर आप ये समझते हो कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है सर। आप घर में बैठ के जो टाइम वेस्ट करोगे उससे बेहतर ये है कि आप बाहर निकलो, लोगों से इंट्रैक्शन करो। फिर दूसरा काम क्या करते हैं, वो दूसरा काम ये करते हैं कि चलते फिरते इधर उधर, जहाँ से उनका मूड होता है ना, जहाँ से उनका दिल होता है, वो लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना शुरू करते हैं। सही है, हम तो ये नहीं कर सकते, हम किसी से नहीं बात करेंगे क्योंकि हमारे अंदर वो शर्म का एक एलिमेंट है ना कि यार क्या लग होगा इससे बात करके, कैसा लगेगा, बात करनी भी चाहिए नहीं बात करनी चाहिए। सर आप बात करेंगे नहीं तो आपकी बात आगे पहुंचेगी कैसे। हमें लोगों से बात करनी है, उनसे कॉन्टैक्ट बनाने हैं, कॉन्टैक्ट बनाने के साथ फिर उनसे मालूमात करनी है कि भाई इज़ देयर एनी वैकेंसी इन योर ऑफिस, कोई ऐसी चीज़ है आपके पास, कोई ओपनिंग्स आ रही हैं, या कोई दोस्त है आपका जिसकी कंपनी में ओपनिंग्स हैं। तो सबको ये बात फैला देनी चाहिए कि भाई हम पहुंच गए हैं दुबई के अंदर। बेसिकली वाली बात मुझे मेरे बॉस ने बताई है, क्योंकि एक दिन मैं उनसे डिस्कस कर रहा था और मैंने उनको कहा कि भाई मैं ऑलमोस्ट हर तरह का टॉपिक कवर कर चुका हूँ जॉब से रिलेटेड, अब मुझे कुछ वो सीक्रेट्स बताएं जिसकी वजह से मेरी आवाम को जॉब लेने में आसानी हो जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप ये इंडियंस की जो स्ट्रैटेजी है ना वो डिस्कस करो। क्योंकि हुआ ये कि एक दिन वो मस्जिद में पढ़ लेते हैं नमाज के बाद उनके पास एक इंडियन आया और अपने स्टाइल में उसने बोला कि सर कैन आई गेट योर व्हाट्सएप नंबर, आई वांट टू सेंड माय सीवी टू यू। इनका यार एक्सेंट बड़ा मज़े का होता है, बड़ी मासूम कौम है, बड़ा मज़ा आता है इनसे बात करने में। खैर तो ऑब्वियसली वो उनको जानता नहीं था, लेकिन उसने उनसे की इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन करने से हुआ क्या कि अब जब उन्होंने उससे इंटरेक्शन करी तो औरों से उन्होंने कितनी इंटरेक्शन की होगी, कितने लोगों के साथ वो मुलाकात की होगी, ये वाली बात उन्होंने कितने लोगों को बोली होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर उसने 1000 बंदे को भी ये बात बोली है तो उसमें से 10-20 ने तो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होगा ना, या किसी 5 के पास किसी ना किसी के ऑफिस में कोई वैकेंसी होगी। कोई यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे जॉब्स कर रहे हैं, या तो जॉब्स कर रहे हैं या तो अपने बिजनेस कर रहे हैं, फारिग तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो देखो अब आप ट्रिक चेक करो यार, ये लोग किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं और उनको फटाफट जॉब्स मिल भी जाती हैं यार। तो हम ये चीज़ नहीं फॉलो करते, हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। हम जब यहाँ पर आ गए तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ से वापस जॉब लेके जाना है, खाली हाथ हम नहीं जाएंगे। तो उसके लिए आपने जी तोड़ मेहनत करनी है। उसके बाद ना जब आप इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी सारी चीज़ें करोगे, तो फिर देखो सबसे बड़ी ज़ात जो है ना ऊपर रब की, वो आपको देख रही है और अल्लाह पाक आपको सपोर्ट करेगा। और ये मेरा दावा है, ये मैं आपको कोई ऐसी कुछ क्या कहते हैं ना कि बस चलते फिरते कोई बात बोल दी या आपकी मोटिवेशन हाई करने के लिए बात बोल दी, सर ये फैक्ट है। आप मेहनत तो करें, आप मेहनत की तरफ बढ़ेंगे आगे तो आपको सिला मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग करते क्या है कि बहुत से लोग सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके बैठ जाते हैं और फिर वेट करते हैं कॉल्स का। जब आप वेट कर रहे हो कॉल्स का तो उससे बेहतर आप निकलो, सड़कों पे निकलो, मॉल्स में जाओ, कितने सेमिनार्स होते हैं वहाँ जाओ, फ्री सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे आप कंपनी से इंटरेक्शन करो, लोगों से मिलो, अपनी बात पहुँचाओ कि भाई हम जॉब करना चाहते हैं, हमारे अंदर है कुछ चीज़, हमारे अंदर टैलेंट है, हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो सर ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आपको क्यों नहीं जॉब मिलेगी। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे लोगों, मेरी एक छोटी सी बात सिर्फ ये अपने जहन नशीन कर लें कि जब आप दुबई आएँ तो मेक श्योर आप अपना हर दिन प्रोडक्टिव बनाएं। कोई दिन आपका ऐसा ना हो कि आपने घर पे बैठ के फारिग गुजार दिया। जितना आप इसको प्रोडक्टिव बनाएंगे उतनी जल्दी आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो अपने किसी दोस्त को शेयर कर दें। क्या पता इस एक वीडियो की वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ बाहर आ जाए, कोई उसको आगे बढ़ने का एक क्या कहते हैं रास्ता नज़र आ जाए। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।